और जब मैं कहता हूं एक भी राज्य, तो उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के बारे में कह रहा हूं जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें आई थी। 25 में से 25 राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में, उन सब राज्यों के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि सब जगह तीन भावनाएं देखने को मिली। पहली भावना थी गुस्से की, और गुस्सा क्यों था उस पर मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बात करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा नौजवानों में था। आज आंकड़े आए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के, जिसमें भारत में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई है। अब आप बताइए ये सुनकर गुस्सा होगा या नहीं होगा। गुस्सा नौजवानों में इसलिए भी है, एक घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये आंकड़ा अपने आप में रात की नींद हराम करने वाला आंकड़ा है। हर घर में नौजवान है, हर घर में एक इच्छा है कि जो पढ़ लिख के डिग्री आई है कोई नौकरी मिले, लेकिन हर घर में ये परेशानी है, ये हताशा है और ये निराशा है कि नहीं, 10 साल हमारे बेकार गए। जिस आदमी में या जिस पार्टी में या जिस सरकार में हमने निवेश किया उससे हमें कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, इसलिए गुस्सा है। दुख इस बात का है, पति पत्नी में भी अगर आपस में कोई झूठ बोल दे तो बुरा लगता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मत बोला करिए झूठ अपने घर में किसी से। देश का राजा झूठ बोले देश की प्रजा से तो दुख होता है। देश का राजा धोखा दे देश की प्रजा को, देश का राजा देश की प्रजा के साथ झूठ बोले, तो फिर आने वाली नस्लें बर्बाद होती हैं। इस बात का दुख पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को है कि हमने जिसको देवता तुल्य मान लिया था वो कैसा निकला। अब मैं अभी इस राज्य में आया हूं तो नड्डा जी को तो मैं याद करूंगा बड़े दिल से, उन पे मुझे बड़ा बुरा भी लगता है, अफसोस होता है। कहने को अध्यक्ष है लेकिन काम क्या दे रखा है उनको, उनको काम दे रखा है हवाई अड्डे पे जाना मोदी जी को लाने, और हवाई अड्डे पे जाना मोदी जी को छोड़ने, और अगर मोदी जी के मुंह से कुछ गलत निकल जाए जो कि हमेशा निकलता है आजकल, तो चुनाव आयोग का नोटिस किसके नाम पे जाता है, बेचारे नड्डा जी के पास जाता है, उनका कोई कसूर नहीं। अब वो इतने हताश हो गए नड्डा जी कि उस दिन कहते हैं ये नरेंद्र जो है ये नरों के इंद्र नहीं है, ये तो सुरों के भी इंद्र है, विष्णु के अवतार है। ये आए थे तो बोले थे मैं प्रधान सेवक हूं, जाते जाते भगवान के अवतार बन गए। इस बात का दुख हम सबको है, अपने आप को कोई भगवान का अवतार कैसे मान लेता है।